जिंदगी में एक शब्द का इस्तेमाल करना ना पड़े बिल्कुल भी, क्योंकि एक शब्द जो है बड़ा खतरनाक है और कोई भी इंसान अपने बच्चे का नाम उस शब्द पे नहीं रखता। आपने देखा है किसी बच्चे का नाम मेघनाथ रखा है, रावण, कुंभकर्ण, देखा है? नहीं रखते लोग, क्योंकि ये सब विलेन लोग हैं, है ना। ऐसी एक शब्द है बड़ा खतरनाक, विलेन। काश कर लेता तो अच्छा होता। काश, किसी बच्चे का नाम देखा है काश? आकाश तो होता है, काश नहीं होता। हैप्पी बर्थडे टू यू काश, नहीं नहीं होता। ये सिर्फ अफसोस करने के लिए बनाए शब्द साहब डिक्शनरी में, अफसोस। और हमारे बुजुर्ग लोग बहुत अफसोस करते करते चले गए। ग्रीन पार्क कोड़ियों की में बिक रही थी, काश ले लेते। वहां जंगल ही जंगल था, आज कितनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, काश ले लेते। अब ऐसी काश करते करते निकल लिए। इसलिए हमारे बुजुर्गों की तस्वीर बहुत छोटी सी घर में लगी है या एल्बम में कहीं दबी हुई है। अगर उन्होंने डिसीजन बढ़िया ले लिया होता तो किसी बड़े घर में जाना, किसी अमीर घर में जाना, किसी कोठी में जाना, तो वहां पे दादा की तस्वीर इतने चौड़े फ्रेम में लगी होती है। तेरी बड़ी क्यों लगी होती है? क्योंकि दादा ने डिसीजन लिया था, कुछ छोड़ के गए हैं, इसी चक्कर में उनकी इतनी बड़ी तस्वीर, इतनी बड़ी चंदन की माला लगी होती है उस पर। हमारे दादा ने कोई बढ़िया डिसीजन नहीं लिए, इसीलिए उनकी तस्वीर आप सारे दिमाग चला रहे इस टाइम, वह दादा की तस्वीर कहां हमारे घर में? क्योंकि डिसीजन लिया ही नहीं था उन्होंने। मैंने ऐसा काम कर दिया है कि मेरी तस्वीर चौड़े फ्रेम में बड़ी सी लगेगी चंदन के साथ। ऑब्वियसली ऐसा काम कर रहा हूं और ऐसा कुछ छोड़ के जाऊंगा। अब आप देखो आपकी तस्वीर कितनी बड़ी लगवानी है आपने। अब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं यार, हाँ और क्या। तो काश कुछ मत करते रहना यार, है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में रिस्क नहीं है, ध्यान रखना। कई लोग बैठे बैठे रिस्क सोच रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। दो लोग रिस्क नहीं है का, और वो रिस्क नहीं है जॉइनिंग अमाउंट जो आप दोगे इस सिस्टम में आने के लिए, क्योंकि उतने का सामान आपको वापस मिल रहा है। रिस्क वो 5 करोड़ रुपए है जो डिसीजन ना लेने की वजह से जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव इंसान में यही फर्क होता है। पॉजिटिव इंसान कहता है ये आ सकते हैं, इसलिए उसको आते हैं। नेगेटिव इंसान क्या कहता है? अबे ये तो आ ही नहीं सकते, उसको आते ही नहीं, क्योंकि ज्वाइन नहीं करता। तो बस यही फर्क है गरीब और आदमी में, अमीर आदमी में। अमीर आदमी सोचता है, डिसीजन लेता है और काम करता है। गरीब आदमी कौन होता है? जो डिसीजन नहीं ले पाता और कभी कुछ नहीं करता। जबकि WBC RBC दोनों के शरीर में बह रहा है, लेकिन सोच का फर्क है। इसी वजह से गरीब और अमीर दो लोग हैं इसी धरती पे, ठीक है साहब। अंदर ही अंदर देखो कई लोग ऐसा सोच रहे हैं, जाकर पूछूंगा। किससे पूछेगा भाई? प्लान हम समझा रहे हैं, सिस्टम हम समझा रहे हैं, इसकी बारीकियां हम जानते हैं, इस बिजनेस के डॉक्टर हमें, हमसे पूछ। नहीं, मैं उससे पूछूंगा जिसको इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। कौन है वो लोग? वो लोग ये हैं। वाइफ से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा, मामा से पूछूंगा, इससे पूछूंगा और उससे भी पूछूंगा, और उन सबसे पूछूंगा जिसको कुछ नहीं पता। और फिर वो मुझे नेगेटिव करेगा, फिर मैं कहूंगा अच्छा हुआ मैं बच गया। तो भैया तो तुम ना बस को ऐसे हाथ देते रहे 218 को, ए रुक जा भैया, भैया रुक जा। चल रहा भाई, छोड़ दे वहां तक। जिंदगी में अगर ये करना है, अगर यही करना है तो भाई पूछते रहना। फिर आप सोचो, मैं 1,35,000 रुपए हफ्ते की बात कर रहा हूं, और आप उस व्यक्ति से जाके पूछने वाले हो जो 25,000 रुपए की सैलरी पाता है। उससे पूछ रहे हो 1,00,000 रुपए कैसे कमाऊं? वो क्या भाई, मुझे कैसे पता? आप कहोगे देख ऐसे ऐसे आएंगे, ये सब बेकार होता है। फिर अरे उससे पूछो ना जो कमा रहा है, हमसे पूछो ना हम कैसे कमाते हैं, हम कैसी गाड़ियां चला रहे हैं।
साहब उस डॉक्टर के पास जाओगे जहां आपको बीमारी है, उस डॉक्टर के पास जाओगे साहब, डॉक्टर साहब ये बीमारी है, इसको ठीक करो, दवाई लिख के दो। लेकिन आप गलत आदमी के पास चले जाओगे, मोची के पास, साहब मेरे सर में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, उल्टी हो रही, कह रहा लेडिया किल्ट होऊंगा। आप गलत आदमी के पास जा रहे हो पूछने। हंसी तो आ रही होगी लेकिन समझ भी बहुत अच्छे से आ रहा होगा।